अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, मेरी माँ 3 महीने पहले इलाज कराने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 महीने बाद वित्त रिपोर्ट्स के साथ आई और दुआ दे रही। अगर आप घर पे बैठ के भी ये चीज़ें कर लिए इंशाल्लाह, तो आपके दुआएं जारी रहते हैं और अल्लाह की शिफा भी आपके ऊपर नाजिल होते रहते हैं इंशाल्लाह। हार्ट का मसला था, सडनली जो है प्रॉब्लम हुआ, गए डॉक्टर साहब के पास उन्होंने इलाज के लिए, तो इमरजेंसी जो है उनको एंजियोग्राम करना बोले, 80,000 कुछ खर्चा होता बोले। फिर उन्होंने डायरेक्ट मेरे पास आए, उनकी पहले की रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट यहाँ है 3 महीने बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह दवा इस्तेमाल करने के बाद कंप्लीट रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई और सेहत भी अच्छी हो गई। आइए उनसे बात करेंगे और इंशाल्लाह रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ मैं आपको और रेमेडी भी बतलाता हूँ और प्रेजेंट जो सिनारियो है वो भी बतलाता हूँ इंशाल्लाह। ये सारे चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह कभी हमें गुमराह नहीं हुएंगे और कभी बीमार नहीं हुएंगे इंशाल्लाह। पहले की रिपोर्ट, ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिसफंक्शन, तो सितंबर की रिपोर्ट है। अब प्रेजेंट फ्रेश रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, खैरियत? हाँ सुनो, क्या तकलीफ थी पहले और क्या? डॉक्टर कहने गए, हिचकी लगी तो डॉक्टर कहने गए, वो हार्ट आया बोले उन्होंने। हां बोले तो फिर एक महीना हम बोले फिर यहां को है मैं। हां आई फिर बेहतर है अब यहां पर ठीक है। अब कल जाओ क्या निकाले तो नहीं मां क्या भी नहीं नॉर्मल हो गए लग गए। हां बोल को बोले डॉक्टर ही बोले। हां क्या बोले डॉक्टर एक महीना पहले? एंजियोग्राम कराना बोले। कितने होते हैं पैसे बोले एंजियोग्राम? 80,000 रुपए बोले थे आपको। अच्छा, तो आपकी रिपोर्ट तब जो है, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नहीं तो 80,000 का 80 रुपए का 80,000 का 80 रुपए का ये इलम सीखो 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 कर को चीखा मार तुम सुबह, समझ में आ रहा? कल एक वीडियो वायरल हो रहा एक बच्ची का, अल्लाह अकबर के जो है नारे लगा रही हो बच्ची मुस्कान बोल के, देख रही नहीं? वो जज्बा कई को आ रहा बोलो दिल से, वो अल्लाह की मोहब्बत है और वो हक की बात है और वो हक की बात है। कोई ख़ास चीज़ कुछ जो है ओढ़ के रखते सो हम प्रोटेक्शन से, जैसे कि मोबाइल फोन सेफ रहता, टेम्पर ग्लास है नी, बैग पाउच यूँ गिलगा तभी मोबाइल बच के रहता बोल के। तो ये हिजाब भी हमारे इस्लाम में अल्लाह की रहमत औरतों के लिए, जो बेहिजाब रहते और उनका रिश्ता शादी होने के बाद भी डोटिच, बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, आज निकाह कर लेती कल तलाक, आज इसके हाथ कल उसके हाथ, समझ रही? ये हिजाब औरतों के लिए प्रोटेक्शन, हमारे इस्लाम में औरतों की बहुत इज्जत है, उन्हों जिंदा रहे जब भी और मरने के बाद भी उनका नाम नहीं लेते, मरने के बाद भी फला के एहलिया फला के माँ ऐसा बुलाते, डायरेक्ट नाम भी नहीं बुलाते बिकॉज उतनी इज्जत करती। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी धर्म के ऊपर हमें अंगली भी नहीं उठाते, तुम्हें ऐसे तुम्हें वैसे तुम्हें ये करो नहीं, जब हमारे इस्लाम में दखल अंदाजी करे तो मामूली बच्ची भी शेरनी हो जाती है नी। आज एक शेर निकली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 25 करोड़ शेरा निकलती, इस्लाम को मिटने वाले मिट गए लेकिन इस्लाम नहीं मिटा, अगर इस्लाम मिटाने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह हमें मिटा देती।
इंशाल्लाह। क्यों बोले तो शहीद की मौत कौन मरना नहीं चाहते, मर जाएंगे इंशाल्लाह लेकिन कटेंगे नहीं, किसी और के सामने हमारी मुंडी नहीं कटेंगी सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब वज है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, किसी पे यकीन नहीं करना, किसी के बाप से भी नहीं डरना जब आप हक में ही, तो समझ में आ रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है मुसलमानों से, पहले आप अपनापन रखो। सुन्नी तुंडा अहले हदीस है नी, अपनों में जो पॉइंट करते ना, गीबत करते ना, इन चीज़ों से परहेज करो। ये अपने में छा में लड़ रही बोल को गैरा आँखों हम ना जो है अटैक कर रही। पहले अपनापन लाओ, एकता लाओ, इंशाल्लाह गैर कौमा के भी हमारे साथ मिल के हैं ये हमारी जंग में, और उम्मीद है इंशाल्लाह के कोर्ट से अच्छा जो है रेस्पॉन्स आएगा और हिजाब नहीं हटेगा इंशाल्लाह। क्यों बोलो, गवर्नमेंट आपको क्या करती, गुटखा खाना नहीं बोल को वार्निंग करती और गुटखा खाना बोल को लाइसेंस भी देती है नहीं। तो समझो पॉलिटिक्स में ज़्यादातर, मैं किसी को पॉइंट ना कर रहा हूँ, यूजुअली अनएजुकेटेड पीपल हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली ट्रू थिंग, सच्चाई है। हम भी जब वोट करेंगे तो इंशाल्लाह पढ़े लिखों को वोट करेंगे, समझदार और इखलास वाले लोगों को वोट करेंगे और मिल के इंशाल्लाह ये जंग लड़ेंगे और अल्लाह से हमेशा मांगेंगे और डरेंगे नहीं किसी से सिवाय अल्लाह के, यकीन सिवाय अल्लाह के किसी पे नहीं लाएंगे इंशाल्लाह। जब तक जिंदा हैं तो यहाँ, मर गए तो इंशाल्लाह जन्नत में। जब तक आपका यकीन अल्लाह पे रहेगा तब तक इंशाल्लाह कभी गुमराह नहीं होंगे। नहीं, इसी तरह इंशाल्लाह कोई भी हमारे इस्लाम में दखल अंदाजी करने की कोशिश करे तो ऐसे एक शेरनी नहीं, ऐसे बहुत सारे शेरनियाँ में निकलेंगे इंशाल्लाह, और मिटेंगे तो भी इस्लाम के लिए। और इंशाल्लाह अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो हमें तैयार ही शहीद होने के लिए, क्योंकि हम ना, हमारा इस्लाम और हमारा मज़हब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता, इट्स लीगल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स ऑफ अ सिटीजनशिप, एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते ये हमारा राइट है कि हमारे मजहब का रूल को हमें फॉलो कर सकते। और ऐसा छोरा स्कूल में मदद करती, कॉलेजों में जो है एक्सेप्ट करती, बस कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्युनलिज्म हिंदू मुसलमान में भेदभाव देखती और उन्हीं की वजह से ये जनता का माइंड डाइवर्ट हो रहा, और डाइवर्ट होने की वजह से जो मेन इशू हो रहा, जैसा कि पावर्टी, जैसा कि अनएजुकेशन, जैसा कि बजट, जो नया बजट आ रहा, जैसे कि टैक्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, जो मेन टास्क के ऊपर बात करना है मीडिया उस पर बात नहीं कर रही, और मीडिया बिजी होगी लड़ाने में भी, तो हमें भी उसमें ज़्यादा गहराई में जा रही। तो ध्यान दियो प्रेजेंट सिनारियों के ऊपर और हमेशा इखलास को हासिल करो। अगर हमारे इस्लाम में इसी तरह दखल अंदाजी करेंगे तो कोरोना के जैसे और हज़ार बीमारियाँ आएंगे। क्यों बोले तो कोई भी किसी और का बुरा चाहेगा तो अल्लाह उसका बुरा करेंगे। एक से एक खतरनाक बीमारियां ले लेगा, खिलते मेरे पास मुसलमान गैर मुसलमान हर एक को देख तू, मैं ऐसा नहीं कह सिर्फ मुसलमान को देख तू, मुसलमान में एज क्वांटिटी नो, ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू मी, हर एक कुछ मैं दिल से लगा के देख तू, वो मोहब्बत से, और वही मोहब्बत से मैं सारे रेमेडीज भी बतलाता हूँ आपको, क्योंकि आप बिना आपके पैसे खर्च करें आप घर बैठे तैयार होना बोल के, वही एक मकसद से बता रहा हूँ आप इंशाल्लाह। कभी भी डरो मत इंशाल्लाह, और हिम्मत रखो और दुआ करो कि इंशाल्लाह कभी ऐसा टाइम आ गया। कोई भी धर्म में ये सिखाया नहीं जाता कि किसी भी धर्म को तकलीफ देना, वो चाहे कुरान हो, वो चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर इल्म की कमी होती, ठीक है। हमें इल्म वाले हैं तो हमारा मुकाबला सिर्फ दुआओं से, अगर इखलास के लोग सिर्फ दुआ करेंगे तो ऐसे लोग ऐसे जो है तकलीफ़ा दूर कर देते अल्लाह ताला, और किसी को वो हुक्म नहीं दे सकते, और कोई भी किसी में वो हिम्मत भी नहीं आएंगी कि इंशाल्लाह कोई भी हिजाब को रोक सके इंशाल्लाह। और ये अर्जुन की छाल
आप घर बैठे इंशाल्लाह हार्ट के मसलों से बच सकते, ठीक है। तो यूजुअली जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट अटैक आ रहा, पहले उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर डालो, नहीं तो एक ही चेक बार को पूरे सिगरेट मार डालो, ना रहेगी बस ना बजेगी बांसुरी। यूजुअली टबाको से हार्ट का मसला और ज़्यादा हो जाता, फिर आपकी मेहनत का पैसा वेस्ट हो जाता है नहीं। तो टोबैको अगर कोई यूज़ कर रही उसे रोको और ये नेमत को अपना लो इंशाल्लाह, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। शराब, गुटखा और जो है सिगरेटा, बीड़ियाँ, ये इससे भी जो है जर्दा, इससे भी जो है आपका मसला दिन ब दिन बिगड़ता जाता। और बाहर की मुर्गी खाने को बोलता हूँ, बिकॉज एक महीने में बड़ी कर देती हूँ उन मुर्गी को, और बिना मुर्गी के हमारा खाना नहीं जाता है नहीं। तो मुर्गियाँ खा कर मुर्गियाँ जैसे छो जा रही हैं, हमें पेट को यूँ हलती यदि चलने नहीं आता। विदाउट इंजेक्शन 40 डेज में उन्हों मुर्गियाँ को बड़े कर देते, ठीक है नहीं। तो नाटी मुर्गियाँ खाओ, पकड़ को भागो, भक्को जग पकड़ को जुबा करके वहाँच भून को खा लो। लेकिन ये जो स्टेरॉइड वाले मुर्गियाँ हैं इससे परहेज करो, इससे आपका पेट का मसला ख़राब हो जाता, समझ रहे हैं आप। तो आप जो है इससे थोड़ा परहेज करते हुए, पेट को साफ रखते हुए, घर में नमक को बदलते हुए, इंशाल्लाह ये फार्मूला कर लेंगे तो घर बैठे तैयार हो जा सकते आप और आपके इनके 80,000 बच्चे, और भी ऑपरेशन को 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 पूछते, आपके उतने पैसे बच जाएंगे। उसमें 10,000 भी आप किसी गरीब का मदद करने की एक नीयत से आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। अर्जुन की छाल आपको दुकानों में मिल जाता, फंसारी के दुकान में, जाजी के दुकान में, दवासास के पास, ऑनलाइन भी सर्च करो अर्जुन की छाल। एक 3 इंच अर्जुन की छाल ले लो, फिर एक 1 इंच अदरक, 1 या 2 इंच अदरक ले लो, फिर 1-3 लहसुन के कलियां कुचल के 1 गिलास पानी में, यानी तो 2 गिलास पानी में डाल के पका के 1/2 गिलास करके पी लेना डेली सुबह और शाम में। पेट साफ रखना, अगर मोटे हैं तो 1 चमचा एरेंडी का तेल आपके वेट को लॉस कर देता, आपके सिस्टम को ठीक कर देता इंशाल्लाह, पेट साफ रहना आपका, ठीक है। तो पेट साफ रखते हुए ये रेमेडी करना। और एग्जाम पकड़ो यहाँ थोड़ा, यहाँ पे ये देख रही है पॉइंट, ये हार्ट का पॉइंट है, देखो इमरजेंसी फोन आ रहा हूँ अटेंड करूँगा। ये देखो हार्ट का पॉइंट है, ये घर पे बैठ के यहाँ पे अच्छा प्रेस करो, अल्लाह चाहा ना 1 सेकंड में शिफा हो जाता आपको इंशाल्लाह। यहाँ दर्द ज़्यादा होता हार्ट पेशेंट को, ऐसा दबाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके हार्ट के वाला खुल जाते और आपका दिल पाक हो जाता इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से होता, आपकी नीयत के हिसाब से। ये अगर आप दबाते हुए इंशाल्लाह जो रेमेडीज मैं बतला रहा हूँ ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके 1-1 रुपये की कदर करेंगे। एक माँ की मोहब्बत कितनी होती अपने बच्चे के लिए, बड़ा करको भी अपने बच्चे को शादी करको अलग करने कितना रोती, कितना दिल में दर्द होता। सोचो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाले अल्लाह ताला अपने बंदों को कितनी मोहब्बत करते होंगे, ठीक है। तो सोचो समझो इंशाल्लाह और ये रेमेडीज़ को फॉलो करो, आप घर बैठे इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे और दुआ देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल इंशाल्लाह, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर, 21 तारीख को मुंबई। गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुम्बज, रिंग रोड, गुलबर्गा में थोड़ा फ्री रहता हूँ 2-3-4 ये डेट्स पे, तो आराम से देख सकता हूँ वहाँ पे बिठा के, और बाकी के कैंप में मैं बिठा नहीं सकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से, ठीक है। तो 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चुन्ना भट्टी, 8 तारीख को रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल, 9 तारीख को कर्नूल ANR नमस्ते फंक्शन हॉल इंशाल्लाह, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर और 21 तारीख को मुंबई, मुंबई में 4 मीनार लॉन मुमरा। मेरा फ़ोन नंबर 9900366495, 7795414139, 8197041।
4111। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बच्चों को कलमे की तालीम दियो, सबसे पहले बच्चों को कलमे की तालीम दियो और शिर्क से बचाओ, तब भी हमारी कौम आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। दुनिया की तालीम बाद में, पहले दीन की तालीम दियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।